गढ़रवारा के आनंद भवन में कांग्रेस पार्टी के युवा नेता अभिनय ढिमोले के नेतृत्व में विधानसभा क्षेत्र गढ़रवारा के समस्त कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इसमें कार्यकर्ताओं ने गढ़रवारा टिकट को लेकर अपना रोष प्रकट किया। इस बैठक में युवा कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। युवा नेता अभिनय ढिमोले ने कहा, हाईकमान के द्वारा गढ़रवारा विधानसभा के कांग्रेस पार्टी के टिकट को लेकर युवा कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, पुनर्विचार करना चाहिए, कार्यकर्ता उपेक्षित हुए हैं। वे नेता मनीष राय 15 वर्षों से कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, लगातार हाईकमान के द्वारा उनको निराशा मिल रही है। इस बार युवा कार्यकर्ता मनीष राय के समर्थन में निर्दलीय मैदान में उतरने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मनीष राय ने कहा, बैठक का आयोजन का उद्देश्य कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी दिख रही है। विधायक जनप्रतिनिधि मुकेश गुप्ता ने कहा, हाईकमान का निर्णय सर्वोपरि रहता है, कार्यकर्ताओं को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। आज आनंद भवन में कांग्रेस युवाओं कार्यकर्ताओं के द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया है कि कांग्रेस की सीट पर पुनः विचार किया जाए, क्या कहेंगे आप बंडू गुप्ता जी? सब कार्यकर्ताओं की अपनी बात रखने की बात रहती है, पीड़ा है और कुछ बातें रहती हैं, मगर यह हाईकमान का निर्णय। अब हाईकमान ने जो निर्णय लिया वो सर्वोपरि रहता है। सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी और अपनी बात रखते हुए यह बात है, मैंने भी इस बात को रखा कि भाई अब कमलनाथ जी को अगर मुख्यमंत्री बनाना है और कमलनाथ जी को रखना है तो यह पुरानी बातों को भूलना होगा और कांग्रेस को मजबूत करना होगा, क्यों कार्यकर्ता ही रीढ़ की हड्डी होता है। स्वाभाविक है, कार्यकर्ता अपनी अपेक्षाएँ करता था, कुछ उसकी अपनी अपनी बात है, अपनी अपनी पीड़ा और अपनी अपनी बात रखने का तरीका है। कार्यकर्ता ही महान रहता जो नेता बना। आज कार्यकर्ता ने जो बात रखी बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में रखी, वह अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है और उस बात को विचार करने के लिए हम बड़े अपने सम्मानित नेताओं के सामने भी रखेंगे और यह बात है कि उनकी जो पीड़ा है उस पीड़ाओं को पूरा करेंगे और आगामी समय उसके अच्छे परिणाम आएंगे, मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूँ। कांग्रेस युवा नेता अभिनय ढिमोले, आपके नेतृत्व में आज आनंद भवन में एक बड़ी मीटिंग का आयोजन किया गया, इसमें मनीष राय जी और कई युवा नेता शामिल हुए, कैसा क्या रहा है मीटिंग का आयोजन करने का उद्देश्य? आज की ये जो मीटिंग थी, सभी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, वर्तमान जो टिकट का निर्धारण हाईकमान ने किया उसके विरोध को या उसके अंदर जो गुबार है उसको लेकर हमने कार्यकर्ताओं को एकत्रित किया था और पूरी ताकत से रखी भी है, जो आपके सम्मुख आपने देखा भी होगा। कार्यकर्ताओं में एक असंतोष की भावना और एक असुरक्षा की भावना जो पनप रही थी उसे निकालने का काम हम लोगों ने आज यहाँ पर किया है और ये हाईकमान को मैसेज देने का प्रयास किया है कि अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें और कार्यकर्ताओं की जो मनःस्थिति है, जो इस विधानसभा की इस सीट को लेकर जो उनकी सोच है उस पर ध्यान देकर फिर से फैसला लें। और इस संबंध मीटिंग में जो युवा कार्यकर्ताओं ने भड़ास निकाली कि हमारी अपेक्षा होती है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, पिछले 5 वर्षों में कार्यकर्ता की उपेक्षा तो हुई है, उसी का कारण है जो आज कार्यकर्ताओं के दिल से गुहार निकला। कार्यकर्ताओं ने अपनी बात खुलकर रखी, जो बात स्थानीय विधायक से जनप्रतिनिधियों से नहीं कर पा रहे थे आज उन्होंने यहाँ पर बहुत खुलकर रखी। हमारा उद्देश्य ये था कि कार्यकर्ताओं के मन की बात निकले, उनके अंदर जो कहना चाहिए टिकट डिक्लेयर होने के बाद जो मायूसी थी, जो एक दर्द था, वो आज आपने देखा सबका दर्द छलका। सोशल मीडिया पर कुछ निर्दलीय खड़े होने की चर्चाएं जोड़ पकड़ रही हैं। देखिए, मैं इस बात में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं चूँकि कांग्रेस का एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ और कांग्रेस की इस स्थिति को मैं देख नहीं सकता, कार्यकर्ताओं की स्थिति को मैं देख नहीं सकता, इसलिए कार्यकर्ताओं का एक मैंने यहाँ पर आज मीटिंग रखी थी और जहाँ तक बात निर्दलीय की है तो किस पोस्ट पर है, किसकी वॉल पर है, वो उसका जवाब वही रहता है। आज आनंद भवन में युवाओं कार्यकर्ताओं की एक बड़ी मीटिंग का आयोजन किया गया कांग्रेस की सीट पर पुनः विचार करने के संबंध में। मनीष राय जी, आप गद्दावर युवा नेता हैं, मध्य प्रदेश में आपका नाम है, कैसी का मीटिंग का आयोजन हुआ? ये मीटिंग हमारे कांग्रेस के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय अरुणा भाई द्वारा आयोजित की गई थी और एक ऐसी बैठक मीटिंग थी, नॉर्मली इस पर प्रत्याशी को बदलने की या उस तारतम्य में नहीं रखी थी ये बैठक। इस बैठक का उद्देश्य ये था कि जो कार्यकर्ता लोग हैं कहीं ना कहीं थोड़ी सी उत्साह की कमी दिख रही कार्यकर्ताओं के अंदर, तो कार्यकर्ताओं में उत्साह कैसे भरा जाए उसको लेके मीटिंग आहूत की गई थी। वही आपकी बात थी, आपका कहना ये है कि
प्रत्याशी को यहाँ से बदला जाए तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमारा शीर्ष नेतृत्व बहुत सक्षम है, बहुत समझदार है, उसने बड़े सोच समझ के कुछ निर्णय लिए होंगे और उनके निर्णय को सभी कांग्रेसियों को मान्य करना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत मानना। सोशल मीडिया पर आपके चाहने वालों के द्वारा निर्दलीय की मांग की जा रही है, जी इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, आपकी बात बहुत कटु सत्य भी है और मेरे पास निरंतर 2-3 दिन से रेगुलर लोग थे और मेरे जो समर्पित मेरे लिए मेरे कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनका निरंतर मेरे ऊपर दबाव है कि भैया आप यहाँ से निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ें भरें। तो कहीं ना कहीं वही मैं आज जो मीटिंग जो मुझे लगा आपने भी देखी होगी, आप भी इस मीटिंग में थे, तो भारत का कहीं ना कहीं उत्साह की कमी है, कहीं ना कहीं कुछ वो है, तो ये ऐसी अभी अफवाह ही मान के चलें, इसको अभी ऐसा कुछ कंफर्मेशन नहीं है, पक्का नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं का कहीं ज़्यादा दबाव बनता है किसी भी रूप में। तो सर्वपरि हम लोग नेता इसमें राजनीतिक लाइन में आए हुए हैं, कहीं कार्यकर्ता लोग और सब लोग कहीं कुछ ऐसी इच्छा होती है तो कार्यकर्ताओं के अनुरूप निर्णय लिए जाएंगे। गाटरवारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।